आज मैं आपको सिखाऊंगी कि व्रत में खाने के लिए साबूदाने का स्नैक्स कैसे बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले साबूदाने को भून करके और फिर उसका फाइन पाउडर बना लेंगे पीस के। मिक्सी में इसको दरदरा पीस लेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर आलू को बॉयल करेंगे और इसमें आलू को मिला करके, आलू को मैश करके और इसमें मिक्स कर देंगे। और इसमें नमक मिर्च मिला करके आटा गूंथ लेंगे इसका। इस तरह से साबूदाने का आटा मार के तैयार कर लेंगे और फिर इसकी लोई बना लेंगे। लोई बनाने के बाद अब इसको बेलेंगे। बेलने के बाद अब इसको कटिंग करेंगे, इसके चार पार्ट में कट करेंगे, ट्रायंगल बना के और फिर इसको फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड करेंगे ट्रायंगल को। इसी तरह से सभी ट्रायंगल को फोल्ड करके स्नैक्स तैयार कर लेंगे और फिर इसको धीमी आंच पर तल लेंगे। स्नैक्स बन के तैयार है साबूदाने का। आप इसको कर्ड के साथ खा सकते हैं व्रत में, या फिर इमली की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।